जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद हालात सामान्य होने लगे हैं। राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने सरकारी कामकाज शुरू करने के निर्देश दिए हैं। श्रीनगर में सभी सरकारी दफ्तर 19 अगस्त से खुल जाएंगे। हालांकि इंटरनेट या लैंडलाइन सर्विस को बहाल करने पर कोई फैसला नहीं किया गया है। सरकार जुमे की नमाज के दौरान हालात पर नजर रखेगी और इसी के आधार पर आम लोगों के लिए भी प्रतिबंधों में ढील देने पर विचार किया जाएगा। श्रीनगर एयरपोर्ट से रात की विमान सेवा भी शुरू कर दी गई है। घाटी में सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त हैं। हजारों की संख्या में पुलिस बल तैनात हैं। बाहर से आने वाले पर्यटकों को वापस भेज दिया गया है। जम्मू कश्मीर में हालात सामान्य होने पर सरकारी अधिकारी जल्द ही रिव्यू मीटिंग करेंगे। जम्मू में धारा 144 हटा दी गई है और फोन सर्विस भी शुरू कर दिया गया है, लेकिन अभी भी घाटी में किसी भी नेता के जाने पर प्रतिबंध है। किसी तरह की रैली करने पर भी रोक है। आर्टिकल 370 को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका पर सुनवाई भी आगे के लिए टाल दी गई है। वीडियो डेस्क, अमर उजाला .com।